नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आप जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, आज 3 जनवरी 2019 जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर इस पहाड़ी पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी गई थी और इसमें कोटड़ा की कई पंचायत के कई युवाओं ने और कई लोगों ने भाग लिया था। इसमें जो पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रतिभागी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं पीछे भी कुछ लोग हैं, इस तरफ भी कुछ लोग हैं, करीबन यहाँ पर 50 से 60 लोगों की भरमार है। और साथ ही साथ में जो प्रतिभागी पहले नंबर पर आया था, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विक्रम कुमार है, मेरा पापा का नाम राजेंद्र है और गांव बुजा जी और पंचायत जेड और तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर जी रहने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जैसा कि आप इस पहाड़ चढ़ो प्रतियोगिता में पहली बार पहले नंबर पर आए, आपको कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे दोस्तों ने और थोड़ा और जज्बा दिया था जी, और आते समय बात कर रहे थे। विक्रम आप चढ़ोगे होकर आ रहे थे बाइक से, तो मेरे को थोड़ा और शक्ति मिली और मैं चढ़ा। ओके, एक और बात पूछना चाहूंगा, क्या इस पहाड़ी से पहले आप किसी और पहाड़ी पे चढ़े थे? नहीं सर, पहली बार चढ़े हैं और मेरे को ऐसा कभी सपना में नहीं सोचा था कि मैं पहाड़ पर दौड़ कर चढ़ूंगा। और क्या लगता है, पहाड़ चढ़ो प्रतियोगिता हमारे कोटड़ा में पहली बार हो रही है या कई बार और भी हो चुकी है? सर ये मेरे को तो पहली बार ही लग रहा है जी, और मैंने कहीं देखा नहीं था जी, और मैं कभी यह भाग कहीं लिया नहीं है, तो कबड्डी में नहीं, किच्ची में खेल में भाग नहीं लिया था। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ भी कोई ले नहीं जा रहा था। मेरा दोस्त गुलाब चंद आग रोड से आए, हम एक साथ में रहने लगे और फर्स्ट ईयर में, जब से हम इसके साथ साथ में हुए मेरे को ले जाने लगे। एक बार भिंडर ले गया, भिंडर से माँ भी जीत गया है, चढ़ा की पार्टी और भिंडर के साथ भिड़ी थी माँ भी, फिर जा से सर मेरे को थोड़ा जज्बा आया और खेलने में अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है, कोटड़ा जैसे इलाकों में इस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए या? सर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऐसी प्रतियोगिता होने से क्या होगा? सर मतलब जैसे कि बच्चों को भी थोड़ी शक्ति मिलती है और प्रतियोगिता होती है, जैसे कि इससे धीरे धीरे जैसे और वो खेलने का सब मिल जाता है और बच्चों को पढ़ने का भी लाभ हो जाता है जी। और अभी आपको बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन सुन रहे, उनको क्या कहना चाहते हैं? सर इसको भी यही कहना चाहते हैं, सब मतलब भाग लें और स्कूल जाएं, भेजें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।